कुरोला के एकमात्र पेट्रोल पंप पर जो कि इंडियन ऑयल के अंतर्गत आता है, ये विगत 6 महीनों से ये पेट्रोल पंप बंद है, इसकी कोई सूद नहीं ले रहा है। विभिन्न सामाजिक संगठनों और व्यक्तियों ने इस पंप को खुलवाने के लिए जो संबंधित अधिकारी हैं, जिलाधिकारी उत्तरकाशी हैं, उपजिलाधिकारी हैं, आगे के भी जो अधिकारी हैं उन तक फरियाद लगा ली, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। आपने देखा होगा कि जब यात्री सीजन चल रहा था तो नित्य जो अधिकारी हैं जनपद के तमाम पेट्रोल पंपों का निरीक्षण कर रहे थे, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस पेट्रोल पंप पे कोई अधिकारी कभी झांकता नहीं है, तो आप लगा सकते हैं कि कितना रसूखदार है जो इस पेट्रोल पंप का संचालन कर रही है जो एजेंसी, उसकी ना इसका लाइसेंस रद्द हो रहा है, ना ये पेट्रोल पंप किसी दूसरी एजेंसी को अलाउट हो रहा है। तो आप खुद ही लगा सकते हैं कि आखिर ये चल क्या रहा है, यानी कि रसूखदार लोगों के आगे। और मैं ये भी बता दूं कि पुरोला की जनता इतनी परेशान है कि उनको एक एक लीटर बोतलों में लाना पड़ता है, तब जाके अपनी गाड़ियों में भरना पड़ता है, और उससे पेट्रोल की भी शुद्धता खराब हो रही है, उससे जो एक सेफ्टी नॉर्म है उनका उल्लंघन होता है इस तरह से। लेकिन जनता मजबूर है, प्रशासन और शासन और सरकार इसमें कुछ करती नज़र नहीं आ रही है, या नज़र करने की हालत में नहीं, क्योंकि हो क्या रहा है कि जो भी ये एजेंसी है जो इस पेट्रोल पंप का संचालन कर रही है, इनको पहले भी कहा जा रहा है कि ये बहुत रसूखदार है, और ऐसा नहीं कि पहली बार बंद किया इन्होंने पेट्रोल पंप, ये करते ही रहते हैं हर साल, ये इनका ये चलता ही रहता, कभी 2 महीने के लिए, कभी 3 महीने के लिए, कभी 6 महीने के लिए, हमेशा पेट्रोल पंप बंद करते आए हैं, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। तो उम्मीद है कि या तो तमाम जो एजेंसियाँ हैं जो इन पेट्रोल पंपों पर निगरानी रखती है वो पुरोला की जनता को कुछ समझती नहीं है, या पुरोला की जनता के जो अधिकार है उनकी कोई कीमत नहीं है। बहरहाल ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इस पेट्रोल पंप पे खड़ा होकर यहाँ की समस्या को उजागर करें, देखते हैं शासन और प्रशासन इस पे क्या एक्शन लेती है, और अगर कोई एक्शन लेती है तो उसके साथ हम जरूर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमो नारायण।